दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय की कस्टडी में हैं। केजरीवाल ईडी की हिरासत से ही सरकार चला रहे हैं और अब तक दो आदेश भी जारी कर चुके हैं। सीएम केजरीवाल के इन आदेशों को लेकर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, हिरासत में जाने के बाद भी केजरीवाल दिल्ली के बारे में सोच रहे हैं, वह दिल्ली की स्वास्थ्य सेवा के बारे में सोच रहे हैं और हॉस्पिटल में मुफ्त टेस्ट न हो पाने से केजरीवाल परेशान हैं। कई हॉस्पिटल और मोहल्ला क्लिनिक में दवाई की कमी होने से भी वह परेशान है। कोई साधारण आदमी गिरफ्तार होने के बाद परिवार के बारे में सोचता है, लेकिन केजरीवाल हिरासत में जाने के बाद दिल्ली के बारे में सोच रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनके जेल के जाने के बाद दिल्ली के लोगों की दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। इससे पहले कि जल मंत्री आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने कस्टडी में होते हुए बतौर जल मंत्री मेरे लिए निर्देश भेजे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली वालों को ही पानी की समस्या का समाधान करने के लिए मुझे कहा गया है और गर्मियों में पर्याप्त पानी के टैंकरों का इंतजाम किया जाएगा। आदिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल अपने आप को सिर्फ दिल्ली वालों का मुख्यमंत्री नहीं मानते, वो हर दिल्ली वालों को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। तो एक बेटा, एक बड़ा भाई होने के नाते उन्हें हिरासत में भी 24 घंटे अपने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के परिवार की चिंता सता रही है। वो दिल्ली वालों के बारे में ही सोच रहे हैं।